महारानी की राजगद्दी म्यूजियम है और अहिल्या माता का बड़ा मंदिर इधर है, काशीनाथ उधर है। गुड मॉर्निंग। नर्मदा नदी के घाट पे सुबह सुबह टाइम हो रहा है 6:30। तो आज का योगा सेशन हम लोग नर्मदा नदी के किनारे से बैठ के करेंगे। होपफुली कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा और करने में और आनंद आएगा जब ओमकारेश्वर पीछे और बीच में नर्मदा नदी और एक तरफ योगा सेशन हो रहा होगा। आज का योगा सेशन हो गया ओमकारेश्वर घाट से और सच में बहुत मज़ा आया यहाँ पर आज योगा करके। सुबह सुबह नदी की हवा ठंडी ठंडी, बाबा ओमकारेश्वर का आशीर्वाद। शांत जगह है, छोटी सी जगह है, कोई चिल्पो नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छा लगा। चलो नाश्ता वाश्ता किया जाए, चाय पीते हैं, फिर निकलना भी है आगे की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सुबह लगभग 9:30 के करीब हम ओमकारेश्वर से निकले और अभी हम लोग हैं रास्ते में महेश्वर के। तो इस तरीके का सिंगल रोड है, अराउंड 68 किलोमीटर है महेश्वर ओमकारेश्वर से। और अभी अराउंड 15 किलोमीटर के बाद मंडलेश्वर एक जगह पड़ेगी, वहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है, और फिर उसके 5 किलोमीटर आगे महेश्वर। तो अभी रास्ते में रुके हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, और प्यास लग रही है, गर्मी बढ़ रही है, और ठंडा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बना देना एक ग्लास। रूम मिल जाएगा। पहुंच गया महेश्वर। मंडलेश्वर में रुका था थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहां पर फिर मंदिर विजिट नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, धूप बहुत तेज थी, और सारा सामान बाइक पे छोड़ के, और फिर क्योंकि मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ के जाना था, और फिर मेरे को सेफ नहीं लगा, तो इसलिए मैंने फिर प्लान को ड्रॉप कर दिया। गर्मी बहुत है, और पानी पीते हैं, हाइड्रेट करते हैं अपने आप को, फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं महेश्वर में क्या है। तो अभी महेश्वर में बाहर आ गए, महेश्वर फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, महेश्वर फोर्ट एंड पैलेस टेम्पल भी विजिट करेंगे उधर ही, और फिर नर्मदा नदी के किनारे देखते हैं सनसेट, कैसा ही प्लान है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। ऊपर अहिल्या महारानी की राजगद्दी म्यूजियम है। हाँ हाँ। और अहिल्या माता का बड़ा मंदिर इधर है, काशीनाथ उधर है, राजराजेश्वर उधर है, काशीनाथ उधर है, मंदिरों उधर है। महेश्वर एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख हमें रामायण और महाभारत में महिष्मति के नाम से मिलता है। उसके बाद 18 सेंचुरी में महेश्वर राजमाता अहिल्याबाई की राजधानी रही। चलो आवा जल्दी। महेश्वर 5वीं शताब्दी से हैंडलूम वीविंग यानी हथकरघा बुनाई का केंद्र रहा है। रेवा सोसाइटी की स्थापना होलकर ने 1979 में करी। रेवा सोसाइटी एक एनजीओ है जिसका काम महेश्वर की स्थानीय बुनकर महिलाओं को रोजगार देना
और फेमस महेश्वरी सारीज को भी बनाती हैं। मराठा योद्धा मल्हार राव होलकर ने अपने राज्य की स्थापना इंदौर शहर से की, पर रानी देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर को चुना। आज के समय देखने के लिए यहाँ रानी की राजगद्दी है, एक सोने का मंदिर है जो कि लड्डू गोपाल जी का है, और कुछ अस्त्र और बग्घियाँ हैं। रानी अहिल्या देवी एक बहुत ही प्रबल शिव भक्त थीं और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत से शिव मंदिरों का निर्माण कराया। यह राजराजेश्वर मंदिर यहाँ का, और नीचे था प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर जो भी देखा। वापस चलते हैं किले की तरफ, घाट पे अब बैठते हैं, थोड़ी देर सनसेट का नज़ारा देखा जाए नर्मदा नदी से। खाना खा लिया यहाँ पे, बाकी बिहारी रसोई 60 रुपये में थाली देते हैं भर पेट खाना, और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही टेस्टी खाना खा के मन की तृप्ति, बहुत अच्छा खाना। कभी आते हैं अगर आप महेश्वर तो खाना इन्हीं क्या खाएं, रिकमेंडेड।